सुप्रभात, ये है आज का विचार। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल है और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार की बातों में ना गवाएं। आइए अब डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। स्टेडियम में ये चीजें नहीं ले जा सकेंगे दर्शक। स्टेडियम में कौन सी चीजें दर्शक नहीं ले जा पाएंगे, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। स्कूलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बनेंगे ओवरब्रिज, ये बात किसने कही है कि स्कूलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। 35 साल बाद मई के पहले 9 दिन इतने ठंडे, 35 साल बाद मई के पहले 9 दिन कितने ठंडे रहे, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो यही आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश में संगठन की सरकार में भागीदारी बढ़ाने को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच दिल्ली में चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सक्रिय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को नियुक्तियां देने का तर्क दिया। बैठक में नगर निगम शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी मंथन किया गया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले IPL के दो मुकाबलों में सुरक्षा कड़ी रहेगी। दर्शकों को अंदर जाते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा कि ये चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को लगभग सारी चीजें जो है वो उपलब्ध अंदर करवा दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष वनों में आग लगने की 1200 से 2500 घटनाएं होती हैं। समस्या के समाधान और वन संपदा से स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन पर विचार कर रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपात स्थिति में वैक्सीन और सीरम ड्रोन तकनीक से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए CRI कसौली को आधुनिक तकनीक के ट्रायल करने को कहा गया है ताकि आधुनिकता के दौर में इस तकनीक में भी संस्थाएं नए आयाम स्थापित कर सकें। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश CRI संस्थान के निदेशक को दिए गए हैं। परवाणु से शिमला तक फोरलेन में स्कूलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही फोरलेन के किनारे पैदल चलने वालों के लिए भी मार्ग बनाया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न आए। ये बात लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि परवाणु से ढली फोरलेन के तहत उन्होंने NHAI के अधिकारियों की बैठक ली है। हिमाचल में 35 साल बाद मई का महीना इतना सर्द हुआ है। इससे पहले वर्ष 1987 में मई के महीने में इस तरह की ठंड पड़ी थी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1987 में मई के पहले सप्ताह में प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया था। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 35 अनावश्यक दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। NPA ने जिन दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया है उनमें एंटीबायोटिक, सर्दी जुकाम, फंगल इन्फेक्शन, हार्मोनल विकारों, गठिया, HIV संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में दो अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। रोहड़ू में सीमा रंटाड़ी मार्ग पर सोमवार देर रात एक बोलेरो कैंपर के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। दूसरी ओर रामपुर की गोपालपुर पंचायत के डुगलू में चालक ने JCB से नियंत्रण खो दिया जिससे JCB खाई में गिरने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों हादसों को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी के साथ ही औद्योगिक विकास की भी नजीर बनेगा। कांगड़ा का विकास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकता है। जिला में पर्यटन विकास के साथ कांगड़ा के सीमांत क्षेत्रों में औद्योगिक
उद्योग जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। भारत में भूटान को छोड़कर विदेश से न्यूनतम 50 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर अब सेब नहीं आएगा। भारत के भाजपा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए एक बड़ा एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।